सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रिविजन फार्मिंग लीडर में। थैंक यू। सामने जो किसान भाई देख रहे हैं हमें और आपको कैमरे की नज़र से, उन्हें आप एक बार अपना छोटा सा परिचय दें। जी, मेरा नाम श्रीधर दिवेकर है। मैं पुणे डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ और दौंड तालुका से बिलोंग करता हूँ। तो सर, आपने जो ये कस्टर्ड एप्पल की खेती की हुई है, सीताफल की खेती की हुई है, जी ये कितने बड़े एरिए में की हुई है? ये अब लगभग हमारा 3 एकड़ का फार्म है। अच्छा, 3 एकड़ का फार्म है जी। तो वैसे आप बताएंगे कि मतलब आपका जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड क्या था और एकदम से आप कस्टर्ड एप्पल में उतर गए, ऐसा क्या हुआ? ऐसा तो कुछ है नहीं सर। हमारा जो जमीन आप देख सकते हो पूरा ब्लैक कॉटन है जी। सर। हमारे यहाँ सालों साल खाली गन्ना ही बोया जाता है। अच्छा गन्ने की बहुत बड़ी फसल ली जाती है। जी। तो मेरा पर्सनल में एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होने के कारण फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च करके ये वैरायटी ढूंढ देख ली कि हाँ, इस आगे मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है। अच्छा और फिर इसके हिसाब से और रिसर्च करके हमने हमारे नज़दीकी बारशी में इसके पौधे मिल गए जी। और थोड़ी सी जानकारी भी उन्होंने दी है, सपोर्ट भी किया उन्होंने सब इन्फॉर्मेशन के लिए। इससे थोड़ा सा इंस्पायर होकर हमने लगाया वो। तो फिर लगाया, तो ये टोटल कितने लैंड में लगाई हुई है अब इस टाइम ये पे? टोटल 3 एकड़ में है। 3 एकड़ में। जी, अब अगर हम 3 एकड़ की बात करें तो इसमें टोटल कितने पौधे हैं? 3 एकड़ में लगभग 1148 पौधे हैं। 1148। बहुत अच्छे। अब बात आती है कि कस्टर्ड एप्पल की खेती के लिए कैसा इन्वायरमेंट या कैसी सॉइल की जरूरत होती है? वैसे तो कोई स्पेसिफिक है नहीं, जो हम अंगूर के लिए जैसा लगता है वैसा तो उसके इसके लिए कुछ स्पेसिफिक है नहीं। लेकिन जितना मेरा देखना, मेरा अब ये बगीचा बहुत पुराना हो गया तो जिसको इसको जितना कम पानी होगा अच्छा हाँ उतना ये अच्छे से ग्रो करेगा और उसका क्वालिटी उतना ही अच्छा आता है जितना ये नहीं कि जमीन। जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है और ज्यादा जल भराव वाली जमीन है उनमें जो है ये पौधा उनमें ग्रोथ नहीं बहुत कर दिक्कत पाता। देता है इसके लिए। फिर बाकी इसको क्या होता है, मिलीबग का अटैक आता है क्योंकि डाईबैक भी आ जाता है, जी क्योंकि फिर फ्लावरिंग भी नहीं होती कभी कभी इसके लिए। तो जी इसीलिए हमें पानी का मैनेजमेंट सबसे अहम है इसमें। हाँ, मतलब पानी बहुत कम चाहिए। पानी जितना कम हो सके उतना अच्छा है, लेकिन बहुत ही कम ना हो। अभी क्या है कि अगर हम एक पर्टिकुलर 1 एकड़ पे बात करें, क्योंकि ये वीडियो हम किसानों की जानकारी के लिए बना रहे हैं जिससे कि लोग कस्टर्ड एप्पल की तरफ बढ़ें और अब अपनी जो है अच्छी आमदनी कर सकें, तो 1 एकड़ में पौधे कितने लगाए जाते हैं? 1 एकड़ में अब देखो, मेरा ये जो दो लाइन का अंतर है 16 फुट है और अच्छा, दो, लाइन से लाइन की हाँ दूरी लाइन सोलह से फुट लाइन से लिखी 16 फुट, 16 फीट है जी, और पौधे की दूरी 12 फुट है। 12 फीट। हाँ, तो इस हिसाब से हमने 1 एकड़ में कम ज़्यादा 350 से 400 तक पौधे लग जाते हैं। लग जाते हैं। अभी आपने जो है ड्रिप इरिगेशन से इसमें पानी का इंतजाम किया हुआ है जी और जहां पे पौधे लगे हुए हैं वो हिस्सा आपने ऊंचा रखा हुआ है बेड, जी तो वो किस वजह से है इतना ऊंचा तो रखा हुआ? हमारा ये जो ज़मीन है वो ब्लैक कॉटन है, इसके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। अच्छा और जैसे कि मैंने पीछे बताया कि सीताफल को पानी कम लगता है, इसकी वजह से हमने बेड प्रिपेयर किया है कि जिस वजह से पानी ये नीचे से जो टनल बन गई है इस नाली से निकल जाए पानी, निकल और ये जाए पहले ये मिट्टी का पानी भी नीचे इवेपरेट हो जाता है। जी। क्योंकि फिर उससे जो इसका वायर रूट है, जो नया रूट निकलता है उसका जो खाना बनाने का, उसको जल्दी से जल्दी अच्छी मिट्टी मिल सके। और इसीलिए जो बेड बेड के ऊपर पौधे लगाए गए। जी अभी अगर हम बात करें कि जैसे मान लिया हमने पौधा लगा दिया आज, तो ये पौधा कौन से सीजन में लगाया जाता है? ये जून में लगाया जाता है। जून में, हाँ, बारिश के मौसम में। बारिश के मौसम में पौधे लगते हैं, और उस टाइम ये पौधे की हाइट जो है वो क्या होती है? पौधे की हाइट, एक पौधे का एज 6 महीने के तकरीबन होता है, एक से 1.5 फीट की हाइट एक होती डेढ़ है। फीट का 6 महीने का पौधा तैयार जो है वो उस टाइम मिलता है नर्सरी ये से, ग्राफ्टेड होता है और वो। वो ग्राफ्टेड वाला वो लगाया जाता है। तो ये जो वैरायटी है आपकी, ये कौन सी वैरायटी है? ये NMK गोल्डन नाम से वैरायटी है, बहुत ही फेमस है महाराष्ट्र में, जिसे हम कस्टर्ड एप्पल में गोल्डन सीताफल बोलते हैं। अच्छा, मतलब बेहतरीन वैरायटी। अब देखते हैं, बड़ा बड़ा फल है और एकदम से जो है कलर भी बहुत जी, सुंदर कलर आया हुआ है और पौधों पे बिल्कुल भरे पूरे जो है फल लगे हुए हैं। बहुत इसका प्रोडक्शन भी अच्छा है अच्छा, और दर हर साल के हिसाब से हमारा ये बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। अभी जैसे कि हमने वो आपने बताया कि एक हम 1-1.5 फीट का पौधा लगाते हैं बरसात के टाइम में, तो इसके ऊपर जो फ्रूटिंग है
वो कितने टाइम बाद आनी शुरू हो जाती है? ये फ्रूटिंग तो वैसे उसी साल से, क्योंकि ग्राफ्टेड पौधा है तो फ्रूटिंग लगे झट से चालू ही हो जाता है। अच्छा, लेकिन हम उसी साल से हो जाता है? उसी साल से हो जाता है, लेकिन हम पहले 3 साल उसको फल नहीं रखते। जो कुछ भी है वो फल आएगा, जो कुछ फ्लावरिंग आएगा वो कट कर देते हैं और पौधे की डेवलपमेंट कर हाँ, देते हैं, और जिससे उसकी ग्रोथ हो सके। हाँ, और ग्रोथ होने के एक प्रॉपर उसमें ताकत आने के बाद 3 साल बाद उसको हम, फिर 3 साल के बाद फिर हम फ्रूटिंग 3 साल पे लाते हम हैं। फ्रूटिंग अभी पे जैसे लाते कि हैं। मैं देख रहा हूँ कि नीचे से पौधा झाड़ बन के निकला है, जी अभी क्या होगा कि जब ग्राफ्टिंग वाला पौधा आएगा तो एक स्टेम होगी हाँ, सीधी, एक स्टेम्प होगी। तो फिर ये हमने झाड़ कैसे कटिंग करके तैयार किया है बाद हाँ, में? अभी ये देखो, ये जो बेड है ना, ये जी बेड इधर से जमीन लेवल से पूरा होगा, ये 1.5 फुट की ऊंचाई पर है। जी तो पहले जो हमने लगाया था तब बेड नहीं था, तब पूरा सपाट जमीन था। फिर एक 1.5 फुट का जो पौधा है उसमें से 6 इंच तो नीचे गया जमीन के, जी और फिर उसका जो ये जो क्या बोलते हैं आपके हिंदी में उसको, जो ये ऐसा टिप निकाला हाँ उसका, हाँ टिप निकालने के बाद इसने फिर ये समझ ली ऐसा इतना ही हाँ, वो ऐसा ही फुटेर पौधा। आ गया हाँ, उसमें से। उसका फिटर आ गया। फिर ये देख सकते हैं इतना फुटेर आने के बाद हर टहनी को हमने काट दिया है, फिर उसमें से फुटेर निकाल के ऐसा पाउडर डेवलप हो गया। हाँ, वो हमने जो जो ऊपर सीधा एक सिंगल जा रही है वो हमने काट दी है, काट तो दी। उसमें नीचे से कई सारी टहनियां जी फूट के वो जो है जी एक झाड़ का रूप ले लिया जी उसने। और अभी जैसे कि मैं देख रहा हूँ ये भी आपने काटे हुए हैं। हाँ, ये तो अभी क्या हो रहा है, हमारा ट्रैक्टर जो इधर ब्लोअर वगैरह चलता है ना, तो कुछ कुछ जगह ब्लोअर को बहुत ही दिक्कत देती है। कम जगह हो जाती हाँ, है। तो फिर इसलिए अब देखो 16 फुट होने दो कि ये इधर का हाँ, इधर यहाँ का इधर टिका है, आके मिल जाएगा तो तो ये निकल भी ले। इधर टिकता, तो ब्लोअर जाने में दिक्कत होता है थे, तो कुछ कुछ पौधों को हमने ऐसा निकाल तो दिया है। अभी जैसे हमने ये काटा हुआ और ये फुटेर आ रही हैं, तो क्या अगली बार जब फल होगा तो फिर इन पे आएगा फल? हाँ, इन्हीं पे आप, ये जो आएगा ना, ये अभी ये तो इतना हमने जैसा ट्रायल के लिए ज्यादा काटा था, जी से बाकी के इधर नहीं है काटा। ये होगा क्या, ये जो फल है अभी ये पक, 1-2 महीने में और 2 महीना और लेगा, ये लेट सेटिंग हुआ है, और 2 महीने के बाद इसको जो ये हम जनवरी तक पानी देते, पानी देने के बाद ये जो पूरी पत्तियां इसकी झड़ जाती है, और अच्छा। पत्तियां झड़ने के बाद इसमें फुल स्टोरेज बना रहता है, और फिर इधर से हम इसको छाट देते, इधर से छाटने के बाद फिर इधर से 2 टहनियां निकलेगी और वो फ्लावरिंग लेके निकलेगी। अच्छा, फिर वो फ्लावरिंग हाँ, निकलेगी। एक मई के दौरान इसका कटिंग हो जाता है। अभी जैसे कि हम एक एकड़ जमीन के पौधों के बारे में बात कर रहे थे, जी आपने पौधे बताए कि एक एकड़ में इतने लगेंगे, जी तो क्या एक एकड़ जमीन में अगर हम सीताफल कस्टर्ड एप्पल की खेती करते हैं तो कुल टोटल खर्चा लगाने से आगे फ्रूटिंग तक करीब अंदाजन लमसम कितना आ जाता लमसम है? तो अब देखो, पौधे की एक पौधे की हमने लब लाया था तो 65 रुपीज़ पर पौधा की कॉस्टिंग गई थी, जी ये 1.5 लाख का तो हमारा ड्रिप चला गया, और लेबर का वगैरह कॉस्ट लगे देती है, हर साल 1 लाख रुपए से कम ज़्यादा खर्चा आ जाता है। एक एकड़ पे, एक एकड़ पे 1 लाख का खर्चा जो एक है लाख के कम ज़्यादा ड्रिप आ जाता वगैरह का, वो सब मिला के लेबर का है। खर्चा हाँ, और जो पेस्टिसाइड वगैरह उनका सबका पेस्टिसाइड्स आ जाता वगैरह है, वो सब पकड़ के एक एकड़ में एक एकड़ के लिए 1 लाख रुपये खर्चा आ जाता है। मान के चलो, मतलब पौधे वगैरह लगाने के अभी वो हाँ, जो प्रिंसिपल अमाउंट है शुरुआत का। प्रिंसिपल अमाउंट तो वो है, फिर उसके बाद अगले जो हर साल नई फसल लेंगे तो फिर उसको गोबर खाद डालना है, गोबर हाँ, खाद फिर और डालने, अदर खर्चे बढ़ हाँ, जाएंगे फिर उसके अंदर वो खर्च 1 लाख के आसपास ही जाता है। जाता है। तो अब ये तो खर्चा हो गया एक एकड़ का, अब अगर हम आमदनी की बात करें, हमारा फ्रूट है ये, मतलब हम मार्केटिंग करते हैं या मंडी ले जाते हैं, क्या होता है, किस तरीके से सेल होता है? अभी तो इसका रेट चल रहा है अभी मार्केट मंडी के हिसाब से, अभी नवरात्रि भी चल रही है, जी पिछले गणपति भी थे, इसलिए इधर अब रेट टाइट थे, अब 100 रुपये के आसपास रेट चल रहा है अभी। अच्छा, 100 रुपये का रेट इसका निकल रहा है। जी अब अगर हम एक एकड़ से एक आमदनी की बात करें कि मतलब टोटल आमदनी हमें एक किसान को कितनी आमदनी हो तो सकती है? पहले 3 साल तो कोई हम फ्रूटिंग लेते नहीं है, चौथे साल में हमने अब एक एकड़ के हिसाब से बोलने से पहले एक पौधे का हमने कैलकुलेशन निकाला था, तो एक पौधे में हमें पहले साल 10 किलो ने 10 किलो से भी कम, 8-9-10 के ऐसा एवरेज निकाला था, तो उसको भी हमें 100 रुपये के आसपास हमें जो रेट मिला था, और उसके बाद हम मेरा अब 8वां साल चल रहा है, तो आज का हमारा प्रोडक्शन है 25 से 30 किलो तक, 20 से ऊपर ही हम पर ट्री का प्रोडक्शन निकाल रहे हैं। जी, तो टोटल जो एक एकड़ का है वो मतलब प्रॉफिट कितना आ सकता है? प्रॉफिट तो वो
कम से कम खर्चा जाके 1.5-2 लाख रुपए तो आराम से लमसम मान के चलिए, मतलब खर्चा काट के 1.5-2 लाख रुपए हमारे बच जाएंगे, बच जाएंगे, मतलब एक बढ़िया आमदनी जो है। हाँ जी, तो ये आमदनी तो एक बड़ी अच्छी आमदनी है एक किसान के लिए 1 एकड़ से। अभी क्या है कि जो किसान भाई देख रहे हैं उनसे आप सीताफल की खेती के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? सीताफल की खेती बहुत से किसान ऐसे हमारे यहाँ हमारे जिन जिन लोगों ने लगाया वो क्या बोलते हैं कि चलो इसको कोई भेड़ बकरी गाय खाती नहीं है क्योंकि अच्छा, ये कड़वा होता है पौधे को। हाँ बहुत तो अच्छे। और उसको ज़्यादा पानी भी नहीं लगता और खर्च भी कम है, ये सब मान के वो एक सीताफल लगा रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, इसको बहुत अच्छे से सब खर्चा भी होता है बहुत, इसको भेड़ बकरी का टेंशन नहीं है लेकिन इसको पेस्ट पेस्ट का बहुत दिक्कत है, इसको न्यूट्रिशन का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है, वाटर मैनेजमेंट का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है। जी तो इसलिए इतना जो शुरू शुरू में जितना आसान दिख रहा है, क्योंकि हम अब बोले 1 लाख डालो 2 लाख निकालो, तो इतना बोलने में जितना आसान है उतना हाँ, आसान ये उतना है नहीं। आसान है नहीं। हाँ वो नहीं, खेती का कोई भी काम जो है आसान नहीं है। जी तो सर जी, आपने जो है सीताफल यानी कस्टर्ड एप्पल के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, ये सब कुछ बहुत बारीकी से हमारे किसान भाइयों को बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।